हेलो क्लास सिक्स, आज हम करने वाले हैं ये वर्कशीट जो हमारे पास आई है, वर्कशीट 3। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो है आइडेंटिफाई द फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो एंड सर्कल देम। इनमें क्या है, ये जो जितनी भी ग्रिड बनी हुई है इसमें से आपको छांटने हैं फ्रूट्स के नाम, और उन यहाँ पर लिखना है कितने फ्रूट नेम्स आप छांट पाए हैं। चलिए यहाँ से कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस लाइन में देखिए, पूरी लाइन में लिखा है वाटरमेलन। क्या लिखा है? वाटरमेलन। वाटरमेलन क्या होता है बेटा? तरबूज को बोलते हैं वाटरमेलन। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पर कोई बन रहा है फ्रूट, यहाँ पर कोई फ्रूट का नाम नहीं दिख रहा। यहाँ पर दिख रहा है CHERRY, चेरी। क्या दिख रहा है? चेरी। चेरी एक फ्रूट होता है। उसके बाद आगे आइए, यहाँ पर इस लाइन में देखिए BB, पीच। यहाँ पर है पीच, आड़ू। पीच, आड़ू, यहाँ पर एक फ्रूट का नाम बन गया है। यहाँ पर बन गया है लेमन। लेमन इज़ नींबू। और क्या फ्रूट्स के नाम बन रहे हैं देखिए। अब इधर देखते हैं लेटरल वेज में। अभी इधर इस तरफ ऐसे देखिए लेटरल वेज में, IAPLENEA। जितने भी फ्रूट्स के नाम आप ढूंढ पाएंगे यहाँ पर देखिए, पियर, PER, पियर। जितने भी फ्रूट्स के नाम आप लोकेट कर पाएंगे उन फ्रूट्स के नाम को आपको अलग से लिखना है, फ्रूट्स नेम लिख के ऐसे, और आपको वो अलग से लिखने हैं फ्रूट्स के नाम। अभी देखिए और कितने फ्रूट्स के नाम आप ढूंढ पाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर है प्लम, PLUM, प्लम। ये रहा प्लम, देखिए प्लम बेटा यहाँ, क्योंकि इसको बाद में आपको दिखाई देगा, PLUM। आई होप आई यू आर एबल टू सी टू इट। उसके बाद बच्चे इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करने के बाद ज़्यादा क्लियर दिख पाएगा कि ये फ्रूट्स के नाम और क्या है। अगर किसी को कोई दिखाई दे रहा है तो दिखिए, शायद यहाँ गुआवा भी है, GUAVA। देखिए यहाँ पर गुआवा भी है, GUAVA, गुआवा। गुआवा इज़ अमरूद। उसके अलावा देखिए क्या बन रहा है, और तो नहीं दिख रहा मुझे कोई फ्रूट का नाम। पोमेग्रेनेट है क्या यहाँ पर, क्योंकि नीचे फोटो दिया है, हो सकता है कि वो दिखा हो। चलिए ये फ्रूट्स के नाम आपको दिख गए हैं, बाकी फ्रूट्स के नाम आप ढूंढेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कितने फ्रूट्स के नाम आपको मिले, और एक लिस्ट भी बनाएंगे जिसमें आप फ्रूट्स नेम लिखेंगे कि कितने फ्रूट्स आपने इसमें ढूंढे, इस ग्रिड में आप ढूंढ पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द फ्रूट्स इन टू सिंगल सीडेड फ्रूट एंड मल्टी सीडेड फ्रूट। यहाँ पर जो फ्रूट्स के नाम हमने ढूंढे हैं बेटा, उसमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें एक बीज होता है, जैसे कि मैंगो में एक बीज होता है, प्लम में देखिए एक बीज होता है, और पीच, आड़ू में एक बीज होता है। ये सारे फ्रूट्स में क्या होता है, बहुत सा एक 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 बीज होता है। अब बहुत सारे मल्टी सीडेड फ्रूट क्या है जिसमें बहुत सारे बीज है, जैसे कि लीची। देखिए लीची में जो होता है ना बेटा, सरफेस पे बीज होते हैं, लीची के बाहर बीज होते हैं, स्ट्रॉबेरी के बाहर बीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद लीची इस तरफ आएगा, यहाँ स्ट्रॉबेरी आएगा, स्ट्रॉबेरी ये स्ट्रॉबेरी यहाँ आ जाएगा, यहाँ लीची आएगा, LICH, लीची में एक ही बीज होता है। उसके बाद वाटरमेलन यहाँ आ जाएगा, वाटरमेलन में बहुत सारे बीज होते हैं जगह जगह। उसके बाद गुआवा यहाँ पर आ जाएगा, गुआवा में छोटे छोटे बीज होते हैं, अगर आप खाते हो ना एकदम टाइट टाइट लगते हैं, वो बीज यहाँ, वो वाला फ्रूट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर वो फ्रूट्स लिखने हैं जो मल्टी सीडेड फ्रूट्स हैं, यानी कि जिस फ्रूट में एक से ज़्यादा बीज होते हैं बेटा, उसको तो लिखना है मल्टी सीडेड में। जैसे देखिए चीकू में, चीकू में एक से ज़्यादा बीज होते हैं, छोटे छोटे दो तीन बीज निकलते हैं चीकू के अंदर, देखिएगा ध्यान से। और यहाँ पर आपको वो फ्रूट्स लिखने हैं जो मल्टी सीडेड नहीं है, यानी कि जिसमें एक ही बीज होता है, जैसे कि मैंगो बताया मैंने, जैसे कि लंप है, जैसे कि और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें एक ही बीज होता है। यहाँ पर वो फ्रूट्स लिखने हैं जो मल्टी सीडेड फ्रूट्स हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ जंबल्ड वो दिए हुए हैं वर्ड्स, जंबल्ड लेटर्स दिए हुए हैं, उनको अनजंबल करके उनको ठीक से लिख के, और आपको एक फ्रूट का नाम बनाना है, एक फ्रूट का, और फ्रूट की फ़ोटो साथ में दी हुई है, तो बहुत ईजी है। ये है बेटा प्लम, PLUM, प्लम। बेटा ये हैं ग्रेप्स, आपको दिख ही रहे होंगे, GREPES, ग्रेप्स। चलिए बेटा, और यहाँ पर ये है स्ट्रॉबेरी, क्या है? स्ट्रॉबेरी, STROBERY, स्ट्रॉबेरी। चलिए आगे, आगे है अनार। अनार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बताओ? ऐसे अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोमेग्रेनेट।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे पोमेग्रेनेट की स्पेलिंग लिखेंगे। एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पोमेग्रेनेट की स्पेलिंग लिख के। चलिए बेटा यहाँ पर है पोमेग्रेनेट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ईटिंग विच फ्रूट मेक्स यू हैप्पी। यहाँ पर आपको लिखना है कौन से फ्रूट से आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, यानी कि कौन सा फ्रूट आपका फेवरेट फ्रूट है। मेरा फेवरेट फ्रूट बेटा इस मौसम में है मैंगो। आई रियली लाइक मैंगो, तो मैं यहाँ लिखूँगी मैंगो। जो आपका फेवरेट फ्रूट हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी होती है। अगर इस वर्कशीट में कोई भी डाउट है आपको तो मेरे को पूछिएगा कॉल करके या मैसेज करके। तब तक इन्जॉय द हॉलीडेज एंड कीप ईटिंग द फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी। फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स से आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है और फ्रूट्स से आप हेल्दी रहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी लाइफ एंड कीप इन्जॉइंग।